hello students good morning this is mr pizzattitus from salem classes so students today are discussing topic will be the same topic that uh, previous we have discussed uh, the chimney sweeper already we have discussed the uh, introduction and the author then after we have discussed about text and uh, annotation and uh, today we will discuss the critical appreciation okay so within this th uh, within these three videos I'm going to uh, finish this chapter okay so if anyone is newly watching this video lecture either visiting this channel so I request you to subscribe this channel at the same time hit the bell icon, and एंड फॉरवर्ड इट टू येंड्स एंड रिलेटिव so then, without delaying, let's begin. so दोस्तों इस पोएम को इसका जो critical appreciation है इसको मैंने करीब इस क्रिटिकल appreciation के द्वारा पांच प्रमुख बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ सबसे पहली बात है, तो है पर्पज टू राइट द पोएम विलियम ब्लैक को ऐसा क्या आज जो परिस्थिति है उनको प्रेरित करता है और जिसके चलते वो इस पॉइम को लिखते हैं ये है पहला नंबर का दूसरा है पोइम का जो स्टोरी है उसको हम थोड़ा देखेंगे और ये स्टोरी यानी और इस घटना जब होता है तभी कंडीशन क्या रहता है ये होता है थर्ड पॉइंट फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट पर हम देखेंगे कि मीनिंग ऑफ कॉफिन हम यहाँ पे एक पैराग्राफ है पेज नंबर 124 में और जहाँ पे हम देख सकते हैं कि कॉफिन के शब्द इस्तेमाल किया जाता है ये कॉफिन दरअसल क्या चीज़ को यहाँ पे दिखाता है फिर उसके बाद हम देखें कि पॉइट्स एटीट्यूड यानी आखिरी के लाइनों में और पॉइट किस प्रकार अपनी एटीट्यूड को व्यक्त करते हैं तो इसी प्रकार इस पाँचों पॉइंट को आ, के आधारभूत हम इस क्रिटिकल uh, एप्रिसिएशन को डिस्कशन करेंगे सो एक्चुअली दिस इज फॉर वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ दिस लेशन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट बट इफ एनी वन इज फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज even though this uh, chapter is regarding of his or her syllabus so they can also be benefited so uh, let's begin so already i have given you five major points within that five major points i am going to explain it number one purpose to write uh, the poem william sorry black क्या प्रेरित करता है जिसके चलते वो इस पॉइंट को लिखते हैं द चिमनी स्वीपर बाय विलियम ब्लैक प्रेजेंस ए चैंटिंग पिक्चर ऑफ द इविल ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पे दो चिमनी स्वीपर है द चिमनी स्वीपर इसमें विलियम शेक्सपियर एक विरक्ति भाव का एक पिक्चर ठीक है जो इस संसार का उसी को यहाँ पर वो प्रेजेंट करते हैं द फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड द इविल इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटेन्स इंडस्ट्रियलाइजेशन हार्ट ओपन ब्लैक्स आइज टू द दर्नी एंड द दैट स्टार्ट द वर्ल्ड तो उस समय जो फ्रांस का रिवोल्यूशन का समय भी था फ्रांस का रिवोल्यूशन का जो इफे इविल इफेक्ट सॉरी फ्रांस का रिवोल्यूशन साथ ही साथ और ब्रिटेन का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का इविल इफेक्ट उसका जो बुरा असर है ना ये सभी क्या करता है उसकी आँख को खोल देता है किसकी आँख को ब्लैक की आँख को खोल देता है और उसके विरुद्ध में वो अभी क्या करने लगते हैं एक्सप्लोइटेशन करने लगते हैं इस दुनिया की जो क्रूरता और इस संसार का जो निर्दयता और किस प्रकार आगे बढ़ रहा है उसी के ऊपर वो क्या कर रहे हैं एक्सप्लोइटेशन कर रहे हैं उसके उजागर कर रहे हैं द ग्रोइंग प्रॉपर्टी ऑफ लेवल्स एंड द इनहूमन ट्रीटमेंट द आउट ऑफ देम वेर अनप्ट मूव ब्लैक स्टैंडर हार्ट यहाँ पे जो गरीबी का बढ़ोतरी और साथ ही साथ जो लेबरों का बढ़ोतरी और लेबरों के प्रति जो इनह्यूमन ट्रीटमेंट होता है और अमानसिक अत्याचार उनके ऊपर होता है तो ये उनके हृदय को क्या करता है मूव करता है ठीक है ना उनके हृदय को क्या करता है मूव करता है मूव करने का मतलब है हिला करके कर रख देता है जिसको झकझोर देता है हम हिंदी में कहते हैं तो इसी के चलते वो क्या करते हैं? इस पॉइम को लिखते हैं द प्रॉवर्टी कंबल्ड मैनी आ फादर सेल ही चिल्ड्रन टू मास्टर स्वीपर हु एम्प्लॉयड द चिल्ड्रन ऑन पोअर पेमेंट्स यहाँ पे ऐसे कई सारे पिताओं को देखते हैं जो गरीबी के कारण अपने बच्चों को क्या कर देते हैं कि जो मास्टर स्वीपर के हाथों में बेच देते हैं ताकि बच्चा उन्हीं के अधीन में काम करे लेकिन उनके जो सैलरी होगा उसका जो पेमेंट होगा वो बहुत ही पोर किस्म के होगा है ना बहुत ही कम पैसे में वो काम करते रहेंगे In those days, it was not an unknown uh, uncommon sight to see the children sweeping the soot of chimneys, even when uh, fire was burning below in the fireplace. तो उन दिनों में ये कोई बड़ी बात नहीं थी, है ना? कि बच्चे जो है चिमनी स्वीपिंग करेंगे, जबकि नीचे आग जल रहा हो, it uh, were the inhuman एट्रोसिटीज ऑफ द टाइप ऑफ लेट ब्लैक टू राइट दिस पॉइंप ये एक अमानवीय अत्याचार कहा जा सकता है और यही सारे चीज़ें जो है क्या करता है कि वोम ब्लैक को मजबूत कर मजबूर कर देता है इस पॉइंट को लिखने के लिए जैसे मैं पहले कहा था Purpose to, what was the purpose to write this poem by william black already i told you about his purpose because the french revolution was there and britain industrialization was there and due to that reason there needed a lot of children to sweep the uh, chimney and uh, during that time the people were so pathetic condition and uh, they were so poor and uh, due to that reason, they uh, began to sell their children for doing the job in the uh, ask for the chimney sweeper under of uh, the master of a sweepers so that uh, treatment uh, inhuman treatment and uh, that uh, cruelty everything when he has seen दैट कम्बल्ड हिम एंड दैट ओपन हिज आइज टू राइट दिस पॉइंट इन ह्यूमन कंडीशन जब बढ़ता है और लोगों के अंदर निर्दयता जब बढ़ जाता है और फ्रांस के रिवोल्यूशन को देखते हैं साथ ही साथ वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को देखते हैं इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए काफ़ी सारा बच्चों को इस्तेमाल किया जाता है और बहुत सारे लोग जो है गरीबी के कारण अपने बच्चों को स्वीपर मास्टर जो होते उन्हीं को बेच देते थे और वो स्वीपर मास्टर क्या करते थे बच्चों को काम पे लगा देते थे ख़ास करके चिमनी को स्वीपिंग करने के लिए उसका जो काले रंग का जो सब्सटेंस है उसी को बाहर निकालने के लिए और जबकि नीचे आग जलता हो भट्टा में आग जल रहा हो और उसी के ऊपर से ये लड़के जो है बच्चे जो है और चिमनी में घुसते हुए वो क्या करते तो उसको साफ हो करते थे ये बड़ी एक दयनीय स्थिति था बच्चों का ये बड़ी एक दुर्दशा था है लोगों का और इस बात को नज़र रखते हुए मजबूर हो जाते हैं इस पॉइम को लिखने के लिए तो दूसरी बात इस पॉइम का स्टोरी क्या है आखिरकार इस पॉइम में होता क्या है ठीक है द स्पीकर इन द पॉम इज यंग चिमनी स्वीपर द स्पीकर नारे हिज ट्रैजिक टेल दैट ही लॉस्ट हिज मदर एंड हिज फादर सोल्ड हिम टू अ मास्टर स्वीपर वन ही वॉज टू यंग टू क्राई विप 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 तो यहाँ पर देखते हैं कि ये जो स्पीकर है एक इस पॉइंट का जो स्पीकर है एक छोटा सा चिमनी स्वीपर एक लड़का है और स्पीकर यहाँ पे इस बात को उनका जो ट्रैजिकल कंडीशन है दुख भरी कंडीशन है कि बचपन में उसका माँ गुजर जाती है और उसके पिताजी जो है मास्टर स्वीपर को उसको बेच देते हैं और वो भी ऐसे कंडीशन में जबकि वो ढंग से बोल भी नहीं पाते थे द स्पीकर देन टेल्स हाउ वन ऑफ हीज प्लस स्वीपर टम डर से क्राइट वेन हीज़ क्रलिटी हायर वेफ्ड तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से उसके सपने में आने वाले जो दोस्त है वो चिल्लाते हैं और किस प्रकार से उसका जो हेयर यानी जो स्पीकर है उसका हेयर जो है किस प्रकार से सेफ्ड हो जाते इसी बारे में भी हम इस पॉइंट में देखते हैं द स्पीकर टॉम That as his hair is cut, his white hair will not be बी to stain. तो यहाँ पे जो मतलब टॉम को इस प्रकार एक उत्साहित किया जाता है कहा जाता है कि क्या कहा जाता है कि उसका जो हेयर है वो वाइट हेयर जो है ये सूट के कारण किसी भी प्रकार से क्या नहीं होगा नष्ट नहीं होगा किसी भी प्रकार से उसको कोई हानि नहीं पहुंचेगा दैट वेरी नाइट व्हेन टॉम स्लिप्स ही हैज ए स्वीट ड्रीम ही फाइंड्स थाउजेंड्स ऑफ हिज फेलो स्विप्स लॉक इन ब्लैक कॉफिन देन देर कम्स एन एंजल विथ ब्राइट कीस हु ओपन द कॉफिन एंड सेट्स देम ऑल फ्री फिर उसके बाद रात को एक सपना देखता है वो कि सपनों में आने वाले कई सारे दोस्त हैं वो सारे दोस्त और वो हजारों संख्या में हो सकते हैं वो सभी क्या हो रखे हैं कि कॉफिन में मतलब बंदवाई की हालत में पढ़े हैं, बंदी बन बंद करके पढ़े हैं हाँ उनको कॉफिन में बंद कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति पर क्या होता है कि एक स्वर्ग का दूत वहाँ पे आ जाता है आने के बाद वो सारा कॉफिन को खोल देता है और खोलने के बाद ये लड़के फ्री हो जाते हैं और वो पूर्ण रूप से मतलब आज़ाद हो जाते हैं द अनब्राइडल्ड चिल्ड्रन फ्लोट हैप्पीली इन द एयर एंड स्पॉट देयर फिर उसके बाद जो आज़ाद प्राप्त करे हुए बच्चे हैं ये हवा में उड़ने लगे हवा में उड़ने लगे द एंजल टेज दैम दैट इफ दे बिहेव प्रॉपरली दे विल गेट अ फादर ट्रीटमेंट फ्रॉम द ऑल माइटी और यहाँ पर बच्चों को स्वर्ग का दूध यही कहता है कि बच्चे यदि अपने आप को सही तरीके से व्यवहार करें सही तरीके से अपने जीवन को मैंटेन करें तो डेफिनेटली ऑल माइटी यानी परम पिता परमेश्वर जो है अपने पिता के तुल्य वो क्या करेगा उनका देखभाल करेगा द नेक्स्ट डे तो इट इज कोल्ड आउटसाइड द टॉम फील्स द वार्टेड बाय द ड्रीम एंड ही गोज पीसफुली टू ब्रस द चिमने द पोएम एंड्स ऑन द डिडेक्टिक नोट विथ एन एम्पसाइजिस ऑन द डिक्टम डू योर ड्यूटी इफ यू वाट टू अचीव ए रियल शॉ है और यहाँ पे जो स्वर्ग के दूत उसको जैसे वो कहता है कि तुम अच्छे बच्चे बन जाओगे तो परमपिता परमेश्वर तुमको क्या करेगा तुम्हारा पिता बन जाएगा तो ये बात सुनने के बाद और इस प्रकार सपना देखने के बाद अगला जो सुबह होता है और उस सुबह हालांकि परिस्थिति वहाँ का मौसम बहुत ही कोल्ड है लेकिन अंदर से वो बहुत ही फील करता है और साथ ही साथ ये यह यहाँ पर यही बात को जोर दे के कहता है कि कर्म अगर करोगे तो ही जा कर के आप खुशी को प्राप्त कर पाओगे यानी ड्यूटी करने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए जो भी ड्यूटी मिला है जो भी कार्य मिला है और वो कार्यों को हमेशा अपने जीवन में लागू करके रखना है तो ये तो था उस पॉइंट का स्टोरी अब थर्ड बात है कि उन समय कंडीशन क्या था बच्चों का कंडीशन क्या था और गरीब लोगों का कंडीशन क्या था तो आइए हम इस पैराग्राफ को पढ़ करके समझते हैं द लेबर्स ऑफ द फैक्ट्रीज इन अ जनरल हैड टू सफर फ्रॉम द अनहेल्थी एटमोस्फेयर द कंडीशन ऑफ द चिमनी चिमशिपर व दे बिंग द लिटिल बॉय कुड नोट स्टैंड द चॉकिंग चिमनी तो यहाँ पर देखते हैं कि लेबर और जो फैक्ट्रीज में काम करते थे उनकी दशा उन दिनों में बहुत ही खराब थी यानी अनहेल्थी एटमोसफियर एटमोस्फियर था परिवेश जो है मतलब किसी भी प्रकार से उनके पक्ष में नहीं था ऐसे दशा में चिमनी सुपिर के रूप में जो लोग काम करते थे उनके लिए वो कार्य वर्ज था यानी बिल्कुल बेकार था बिगन द लिटिल बॉय कुड नॉट स्टैंड द चॉकिंग चिमनी तो इसीलिए वो क्या करते छोटे बच्चों को जो चिमनी चॉकिंग ना कर जाए इसीलिए उनका जो काली वगैरह जो है निकालने के लिए बच्चों की इस्तेमाल करते हैं The involuntary method out of them was worse They had to work off during the whole night and go on uh, uh, shopping until noon. At uh, home, they slept on poor beds. Sorry and uh, were fed poorly. तो इसी प्रकार से दोपहर के समय तक ये काम करते हैं। और काम करने के बाद फिर उसके बाद दो पैर पे वो ना धो लेते हैं और मतलब हल्का फुल्का खाना खा करके बहुत ही कम समय वो फिर सोने लगते हैं यानी सोने के लिए भी उनके पास ज़्यादा समय नहीं हुआ करता था द पोएम इज रिप्लिका और आ, आ, यहां पे हम एक विशेष शब्द को देखेंगे इस जो पैराग्राफ में एक कॉफिन नाम का एक आ, एक शब्द को देखेंगे और ये रियलिटी में यह कॉफिन होता है क्या है और इसे किस परपज में इस्तेमाल किया गया है द पोम इज रिप्लिका और द रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ़ द इंडस्ट्रियल इंग्लैंड पोम जो है जो इंडस्ट्रियल हा, हालात है है ना उसी को ये पॉइम क्या करता है उसको व्याख्या करता है द कॉफिन ऑफ सुट इन विच टॉम शो हिज फेलो वर्क लुक्ड ऑफ इज नथिंग बट द कोटिंग ऑफ सुट दैट स्टॉक ऑन देअर बॉडी वैन दे कैम आउट टू आफ्टर श्विपिंग द चिमने तो यहाँ पर देखते हैं कि लड़के लोग जब चिमनी को स्वीपिंग करके वापस आते हैं आते समय क्या होता है कि उनका शरीर में क्या हो जाता है कि जो सोट है वो उनके शरीर में कोटिंग हो जाता है और आगे चल कर के एक ब्लैक कॉफिन की तरह उनका शरीर दिखने लग जाता है दॉइट यूज़ द फैज द कॉफिन ऑफ सुट विच इज सजेस्टिव ऑफ एक्सट्रीम परल दट लॉक्ट इन दर्क द लिटिल बॉय डिट यहाँ पे कॉफिन जो शब्द है ये जो मैंने पहले बताया था उसी को सजेस्ट करता है कि लड़के किस प्रकार काम करते हैं और उनका शरीर में कैसे जो काले रंग का जो स्टूप होता है कैसे एक कोटिंग कर लेता है जो कि एक कॉफिन बॉक्स की तरह और दिखने लग जाता है उनका शरीर दैन आ देरी फ्रेज तेन नेकेट एंड वाइट आस्ट द चिल्ड्रन वेंट ऑफ नेकेट इंटू द चिमनी बिकॉज टू पुट ऑन क्लोथ्स टू इन्वाइट मोर डेंजर फ्रॉम फायर और ये सही बात है कि आग के पास यदि हम कोई कपड़ा पहन के खड़े हो जाएंगे तो ये हमारे लिए एक सामान्य से बात नहीं है कभी भी आग उस कपड़े को पकड़ सकता है तो भला ये तो था चिमने हैं अगर चिमने के अंदर किसी को जाना है और वो कपड़े पहन के जाएगा तो ये बहुत ही मुश्किल की बात हो सकता है इसलिए बच्चे अक्सर नंगे होकर जाते थे सो देखिए ये सूट्स को निकालने के लिए बच्चे रियलिटी में कितना परिश्रम कर रहे थे कितना मेहनत कर रहे थे द सूट स्टॉक्स ऑन देअ नेकेड बॉडी एंड शो देर होल बॉडी शुड बी पर्स्ट ऑफ इट तो इसी प्रकार से कालिका से मतलब जो uh, यहाँ पे जो सूट्स um, है वो उनका शरीर में स्टिक कर लेता था यानी उसका शरीर में जम जाता था और आगे चल कर के उनका शरीर ही क्या है कि एक प्रकार के आ, मतलब कॉफिन की तरह दिखने लग जाता था दैट इज वाय द चिमनी सुपर आर सेट टू बी हैविंग कंप्लीट वॉस इन द रिवर राइजिंग टू द क्लाउड और इसी प्रकार से पॉइंट वहाँ पे और आ, आ, नारेटर यहाँ पे और बिल्कुल रूप से उत्साह करते हैं कि बच्चे रिवर में जाते हैं नहाते हैं हवा में उड़ते हैं एंड्स विथ मॉरल आर्डरिंग सो इफ ऑल डू द ड्यूटी द नीड डोंट ट्रू हार। हार्म तो यहाँ पे आखिरी के लाइनों में यहाँ पे आ, आ, यही कहा जाता है देवदूत ने यही कहा है या तो फिर आ, इस पॉइंट के तरह हम ये समझ सकते हैं कि कर्म ही हमारा जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है अगर हम काम करें तो हमारे लिए कोई चीज़ का हानि नहीं होगा हमें किसी भी बात के लिए डरने का आवश्यकता भी नहीं है और आखिरी में हम यहाँ पर देखते हैं कि रियलिटी वास्तव में और आ, जो पॉइट है उनका एटीट्यूड के बारे में हम यहाँ पे देख सकते हैं पॉइट किस प्रकार एटीट्यूड को यहाँ पे व्यक्त करता है व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ पॉइट एंड हाउ ही यू नो एक्ट ओवर हियर एंड रिएक्ट ओवर हियर दैट वी विल डिस्कस इन दिस लास्ट पैराग्राफ इन फॉर्म आस इट थ्रो ब्लैक वाज इन कंप्लीट रिवोल्ट अगेंस्ट द कन्वेंशन ऑफ द एटीन सेंचुरी एटीन सेंचुरी का जो प्रक्रिया है जो प्रथा है इस प्रथा के ऊपर ब्लैक जो है क्या करते हैं घोर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं और साथ ही साथ उनके खिलाफ क्रांति करने का एक मानस वो बना लेते हैं डज नॉट फॉलो द सेट पैटर्न ऑफ न्यू क्लासिकल पोइट्री मैंने जैसा पहले कहा था कि ये जो युग था न्यू क्लासिकल पोइट्री का युग था लेकिन ये न्यू क्लासिकल पोएट्री का जो ट्रेडिशन है उसको वो फॉलो नहीं करते हैं द पोइट यूज स्पेशल ब्लैंक पेस ऑफ इज ओन विच इज हार्डली डिस्कसीबल फ्रामिथिकल पोर्ट तो यहाँ पे एक ब्लैंक वर्स को छोड़ करके पॉइंट जा गए जिसको समझना बहुत ही मुश्किल है अकॉर्डिंग द पार्शोलॉजी एंड वर्ड यूज रिलेट टू कॉमन मैन इज लाफिंग द पोएम इज ऑल्सो रिमार्केबल फॉर इट्स ब्रेविटी ऑफ स्टाइल पोएम को यहाँ पे विशेष रूप से इसका जो लैंग्वेज है इस पोएम का और ख़ास करके इसका जो बहादुरीता है इसके प्रति और विशेष करके पोएम के लिए कहा जाता है द कंक्लूड द पोएम इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द बेटर ऑब्जर्वेशन एंड अ कम्युनिकेटेड इन ए स्टाइल ब्रीफ आर्टिफिशियल टोरियम ऑफ न्यू क्लासिकल ऑफ द एटीन सेंचुरी तो इसी के साथ आज का पॉइंट भी यहीं पे पूरा होता है मुझे जो उम्मीद है आपको जरूर इसके बारे में समझ में आ गया होगा फिर भी यदि आप बुक पढ़ते पढ़ते कोई एक पैराग्राफ या तो फिर कोई विशेष जो है और आपको कोई डाउट लगता है तो ज़रूर आप कमेंट करके और मुझे पूछ सकते हैं सो आई विल बी ट्राइंग टू आंसर यू एंड आई विल बी ट्राइंग टू हेल्प यू इन एनी वे दैट इज़ माई प्रोमिस सो तो चलिए आज के लिए उतना ही है तब तक तो के लिए जय हिंद